व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू न्यू वेव। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं डेली न्यूज लाता रहता हूँ पूरे यूट्यूब वर्ल्ड से। गाइस, आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कैरी मिनाटी के बारे में। सो यस्टरडे नाइट कैरी मिनाटी ने अपनी लाइव स्ट्रीम में अपने अपकमिंग वीडियो के ऊपर अपडेट देते हुए ये कहा कि काम चालू हो जाएगा कल, मतलब आज अजय जो भी है जैसे भी। सो लेट्स सी कैरी मिनाटी की न्यू वीडियो कब तक आती है। एंड देर इज वन मोर अपडेट अबाउट कैरी मिनाटी। सो आप लोगों ने काफी बार उनको लाइव स्ट्रीम में ये बोलते हुए देखा होगा कि उनका PS5 नहीं आया अभी तक। एक्चुअली उनका PS5 जानबूझ के लेट किया गया था, एंड फाइनली उनका PS5 आ चुका है। सो लेट्स चेक इट आउट। आइए चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। स्नैपचैट ने अपना न्यू इन ऐप फीचर लॉन्च किया है स्पॉटलाइट, विच इज जस्ट लाइक टिकटॉक। एंड आप स्पॉटलाइट में 60 सेकंड तक के लिए वीडियो बना सकते हैं, बट वाटरमार्क नहीं लगा सकते हैं। एंड स्नैपचैट के न्यू ऑफर के हिसाब से स्पॉटलाइट पे मोस्ट पॉपुलर वीडियो मेकर को $1 million एवरी डे मिलेंगे टिल द एंड ऑफ 2020। बट इस ऑफर में एक कंडीशन है, यू मस्ट बी एटलीस्ट 16 years old। सो स्पॉटलाइट न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो चुका है, बट अभी तक इंडिया में स्पॉटलाइट लॉन्च नहीं हुआ है। सो अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट्स आती हैं तो आई लेट यू नो गाइस। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, कैप्टन इंडिया ने अपना न्यू रैप म्यूजिक वीडियो जिसका टाइटल है मुझे बोल मत लॉन्च कर दिया है। एंड इस रैप सॉन्ग में कैप्टन इंडिया ने YPM व्लॉग्स एंड लक्ष्य चौधरी को एड्रेस किया है। सो अगर आपने अभी तक ये रैप सॉन्ग नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। एंड इस सॉन्ग पे कैप्टन इंडिया ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन साइलेंट ऑन व्हाट पीपल से अबाउट मी ऑन द इंटरनेट, स्पेशली पीपल फ्रॉम माई ओन कम्युनिटी, बट नॉट एनी मोर, सेड एवरीथिंग आउट लाउड ऑन दिस वन। So yes guys, music video is out on the channel. To watch the music video, swipe up and let me know how it is. Yeah, bhai, tried a different kind of rap style this time. I hope tumko lage acha lagega. This is my best song yet. लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज। गाइस, आपने ट्विटर की काफी प्रोफाइल्स पे ब्लू वेरिफिकेशन टिक देखा होगा, बट ये वेरिफिकेशन प्रोग्राम ट्विटर ने 3 साल पहले पॉज कर दिया था। सो नाउ ट्विटर की तरफ से न्यू अपडेट ये आ रही है कि इस ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम को वो अर्ली 2021 में रीलॉन्च करने वाले हैं। एंड ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम के ऊपर ट्विटर ने ये कहा कि अ ईयर लेटर वी डीप्रायोरिटाइज दिस वर्क फर्दर टू फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक कन्वर्सेशन अराउंड क्रिटिकल मोमेंट्स लाइक द 2020 यूएस इलेक्शन। द माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इज नाउ रीस्टार्टिंग द प्रोसेस एंड हैज आस्क्ड द पब्लिक टू शेयर फीडबैक ऑन अ ड्राफ्ट ऑफ इट्स न्यू वेरिफिकेशन पॉलिसी स्टार्टिंग November 24th अप टू December 8, 2020। एंड ट्विटर ने यह भी कहा कि वो ओनली 6 types के अकाउंट को ही वेरीफाई करेगी, जिसमें इंक्लूडेड है कंपनीज, ब्रांड्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर्स एंड अदर इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स। सो अगर आपका ट्विटर अकाउंट इन कैटेगरीज में बिलोंग करता है तो जिनके अकाउंट्स अभी तक ट्विटर ने वेरीफाई नहीं किए हैं वो मे बी अर्ली 2021 में वेरीफाई हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 59 चाइनीज एप्स को बैन करा था इंडिया से। उसके बाद 119 एप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक एंड पबजी भी इंक्लूडेड थे। एंड येस्टरडे इंडियन गवर्नमेंट ने 43 मोर चाइनीज एप्स को बैन किया है। एंड इन 43 एप्स में स्नैक वीडियो भी इंक्लूडेड है, जो काफी ज्यादा टिकटॉक की तरह पॉपुलर हो रहा था इंडिया में। एंड नॉट ओनली स्नैक वीडियो, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, वर्कबेंच एंड टोटली 43 चाइनीज एप्स। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज। फ्रेंड्स, आज एबीपी न्यूज पे सास बहू और साजिश के शो में ट्रिगर्ड इंसान को फीचर किया गया था, तो चलिए उस न्यूज की कुछ क्लिप्स देख लेते हैं। शुरुआत तो उस इंसान से जो है बहुत ही ट्रिगर्ड और रोस्ट करते हुए नजर आते हैं यूट्यूब पर। आज मंगलवार है, ये बात है उस जमाने की, अब मैं धर्म संकट में पड़ गया। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब क्या है सर? कहा है वो जिसने जब टिकटॉक बैन हुआ तो मुझे बोला था भाई तुम्हारा जिंदा तो अभी चौपट हो जाएगा क्योंकि टिकटॉक तो बैन हो गया। कौन है वो? So guys, अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। गाइस, तेलुगु मूवी अल्ला वैगुंतपुरा मुलु, जिसमें स्टार्ड हैं अल्लू अर्जुन एंड पूजा हेगड़े, उस मूवी के सॉन्ग बोट्टा बोम्मा को फरवरी में लॉन्च किया गया था। एंड टिल नाउ उस सॉन्ग पर 450 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। सो माय ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू अल्लू अर्जुन एंड पूजा हेगड़े। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज। फ्रेंड्स, नाउ सॉन्ग्स की बात कर ही रहे हैं तो यूट्यूब सिंगिंग सेंसेशन दीपक जायसवाल का सॉन्ग ख्वाबों का कारवा ऑलमोस्ट 2 weeks बिफोर रिलीज हुआ था। एंड टिल नाउ उस सॉन्ग पर 1.3 मिलियन व्यूज हिट हो चुके हैं। एंड ख्वाबों का कारवा इज द ओनली
सॉन्ग इन इस चैनल जो उनके मोस्ट पॉपुलर वीडियो में टॉप पे रैंक कर रहा है। सो माय बिग कांग्रेचुलेशंस टू दीपक जायसवाल। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं गाइस। ग्लोबल सुपरस्टार सिबलिंग चैनल व्लैड एंड निकी, जिस पर 5.86 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपने YouTube यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। बिकॉज व्लैड एंड निकी एंटरटेनमेंट रिटेल एंटरप्राइज एंड ईवॉर्ड ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके प्री स्कूलर्स एंड उनकी फैमिलीज के लिए एक्सक्लूसिव फैशन एंड ब्रांडेड मर्चेंडाइज लॉन्च करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, व्लैड एंड निकी फास्टेस्ट ग्रोइंग किड इन्फ्लुएंसर्स हैं पूरे प्लैनेट अर्थ पे। एंड लेट मी टेल यू मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, व्लैड एंड निकी के 16 यूट्यूब चैनल्स हैं 13 लैंग्वेजेस में, जिसमें से उनका एक चैनल हिंदी में भी है। एंड मंथली इन सभी चैनल्स को मिला के उनके पास 5 बिलियन व्यूज आते हैं। गाइस दिस इज अ प्री स्कूल फिनोमिनल, बिकॉज उनका चैनल हाईएस्ट रेटेड बॉय चैनल है पूरे यूट्यूब पे। सो माय ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू व्लैड एंड निकी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज गाइस। Zoom के यूट्यूब चैनल पे आशीष चंचलानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 8:30 बजे स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने देखना स्टार्ट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। एंड एक्जैक्टली यही इंटरव्यू Zoom TV पे कल रात को 8:30 बजे शोकेस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, YouTube ने वन अमेरिका न्यूज नेटवर्क के चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है। नाउ डीमोनेटाइजेशन का रीजन ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने न्यूज चैनल पे कोविड पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, एंड उनके न्यूज पे ये भी कहा गया था कि उन्होंने कोविड का क्योर ढूंढ लिया है। एंड इसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उनके चैनल पर 3 स्ट्राइक्स में से पहली स्ट्राइक लग चुकी है, एंड अगर 2 स्ट्राइक्स और लगती हैं तो उनका न्यूज चैनल बैन कर दिया जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज गाइस। अमेरिकन यूट्यूबर एरिक बूकर, जिनके चैनल का नाम है बैडलैंड चग्स, सो एरिक बूकर ने अपना खुद का ड्रिंकिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बिकॉज उन्होंने IRN ब्रू सॉफ्ट ड्रिंक 500 ml की 4 बोतलें 18 सेकंड के अंदर पी डाली, एंड उनका प्रीवियस रिकॉर्ड था 30 सेकंड। सो लेट्स चेक आउट दैट वीडियो क्लिप। गाइज अगर कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, करंटली अगर आपको यूट्यूब वीडियोस पे चैप्टर्स ऐड करने होते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगाने पड़ते हैं, बट नाउ यूट्यूब गूगल मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके थ्रू मे बी इन फ्यूचर आपकी वीडियोस में ऑटोमेटिकली चैप्टर्स ऐड हो जाएंगे एंड शायद आपको टाइम स्टैम्प्स लगाने की जरूरत ना पड़े। सो ये फीचर कपल ऑफ वीडियोस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट यूट्यूब ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो कौन सी वीडियोस पे ये टेस्ट कर रहे हैं। सो गाइज बीवेयर, मे बी शायद आपकी वीडियोस में ऐसा वो एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, एंड अगर आप इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहते तो गूगल की तरफ से आपको एक फीडबैक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा एंड आप देन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज गाइज। मैंने अपनी इस न्यूज में कवर किया था कि KSI एंड प्यूडीपाई ने मेम रिव्यू पे एक कोलैब वीडियो किया था, एंड उस वीडियो के एंड में KSI एंड प्यूडीपाई का एक इंस्ट्रूमेंटल जैमिंग सेशन भी था। बट क्या आपने नोट किया था उन दोनों ने कौन से सॉन्ग की ट्यून प्ले करी थी? लेट मी टेल यू, उन्होंने सेलिन डियोन की माई हार्ट विल गो ऑन सॉन्ग की ट्यून प्ले करी थी, एंड इस ट्यून की वजह से प्यूडीपाई को उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम मिल चुका है। सो इसके ऊपर प्यूडीपाई ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। My heart will go on, or at least we said that's what we were gonna play. This is what it sounds like. It's too similar, isn't it? So I appealed it, obviously, because it's bullshit. Like, why? And they rejected it. This is actually infringing on copyright, according to this company. So all the revenue now goes to this company for the entire video. Like what? सीरियसली मैन, आई डोंट बिलीव इट। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आज रोस्टिंग गुरु ने पबजी के ऊपर एक न्यू अपडेट देते हुए ये कहा कि पबजी मोबाइल ऐप टू बी पब्लिश्ड इंस्टेंटली ऑन प्ले स्टोर, अ नोटिफिकेशन हैज बीन सेंट टू द रिव्यू टीम ऑफ गूगल प्ले स्टोर येस्टरडे, स्टार्टिंग टू पब्लिश द पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन ऐप लाइव एज सून एज द डेवलपर अपलोड्स इट। सो गाइस, दिस मींस प्ले स्टोर के पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन जा चुका है कि जैसे ही पबजी गेम अपलोड होगा प्ले स्टोर को उसको वेरीफाई करके जल्द से जल्दी प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करना पड़ेगा। सो गाइस, गेट रेडी फॉर पबजी मोबाइल इंडिया,
अब लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है। चलिए गाइस अब आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं। नॉक्स आर्टिस्ट के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड फाइनली सदगुरु के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। गाइस जो मुझे न्यूज भेजना चाहते हैं फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जो मुझे पहले न्यूज भेजेगा उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स मिल सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड ऐसी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।